खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में सेना में तैनात जवान रमाकांत यादव का पार्थिव शरीर सुल्तानपुर पहुंचा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गौरतलब हो कि दो दिन पूर्व भारत पाक सीमा पर गश्त के दौरान जवान को एक जहरीले सांप ने डस लिया था, जिसके चलते इलाज के दौरान उसका निधन हो गया था। लिहाजा जवान का पार्थिव शरीर सौ पहुंचते ही गाँव में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि दरअसल यह मामला सुल्तानपुर के लम्हुआ थाना क्षेत्र के बसवानपुर गांव का है, जहां के रहने वाले रमाशंकर यादव सेना में जवान के पद पर तैनात थे। वर्तमान में इनकी तैनाती राजस्थान के सूरतगढ़ में थी। सेना की इंफेंट्री बटालियन में तैनात रमाशंकर ने दो दिनों पूर्व भारत पाक सीमा पर घने जंगलों में गश्त कर रहे थे। इसी दरमियान उन्हें एक जहरीले सांप ने डस लिया था। अनंतानंद में सहयोगी सेना के जवानों के जरिए उसे कमांड हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रमाशंकर ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। सुबह जब शहीद रमाशंकर का शव लम्हुआ कस्बे में पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान शव वाहन के साथ ही सभी बसावनपुर गांव पहुंचे तो पूरा परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी लगते ही SDM और CO लम्हुआ भी मौके पर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। पेशगेट फायर, हरभूषण शलकवर पेशगेट फायर, हरभूषण शलकवर पेशगेट फायर, गार्ड अगर पूछो, गार्ड बेशो। फोन आया जी, हमारे भाई की हालत बहुत ख़राब आया करती थी जी, तो हम लोग गए तो 10 तारीख को पहुँचे वहाँ, लगभग 1:30 बजे उन्हें वेंटिलेटर पर लिटाया गया जी। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, देख रहे तो भाई बोल नहीं रहा था जी, उसकी मतलब पैर में थोड़ा कंपन हो रहा था बस। उसके बाद वहाँ हेलीकॉप्टर आया था, हेलीकॉप्टर से तुरंत लेकर गए वहाँ UMH चंडीगढ़ जी, मिलिट्री हॉस्पिटल वहाँ है ना, चंडी मंदिर में जी। वहाँ वहाँ से वो लोग निकल गए तो 1.5-2 घंटे में पहुँच गए, हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम चले आए वहाँ, भाई भी गुड़गांव रहता है, चाचा का लड़का है, वहाँ हम रात को ठहर गए, लोग चले आए। उसके बाद सुबह हमें लगभग 5 बजे सूचना आई, हमारे भाई की हालत बहुत ख़राब है, तो मैं बोला कि ठीक नहीं हो रहा है, फिर वो बोला कि अफसर था वो, तो बोला कि लगभग ख़त्म हो गया है, तो तुरंत हम लोग वहाँ से निकले। लगभग 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो इनकी मौत का कारण सांप ही काटने से? इसने काटा था जी, यहाँ मोड़ में, तो मतलब इसने काटा था सही, लेकिन वो पता नहीं चल रहा था ना सिर्फ ड्यूटी के दौरान। कुछ मांगे थी आप लोगों की यहाँ? हाँ मांग थी। क्या थी? जैसे वो भारत सरकार तो अपना देगी जो देना है, जैसे मैं राज्य सरकार यहाँ आज शहीद के सम्मान में पहुँचे, तो क्या कुछ मांगे थी इन लोगों की?
आज हम लोग यहाँ ताहिर अहमद खान यादव के अंतिम संस्कार उपस्थित हुए। वैसे तो हमारी सरकार का निर्णय है हर शहीद के का गेट बनेगा, उसके घर तक सड़क बनेगी। हमने इनके लिए तय ही किया है और पहले भी जो शहीद हुए हैं जिनके यहाँ गेट नहीं बना है उस सड़क में वो भी बनवाएंगे। इनकी जो मांग थी वो ये थी कि एक यहाँ जूनियर हाई स्कूल है उसको इंटरमीडिएट किया जाए उनके नाम से, रमा कांत यादव स्मारक इंटरमीडिएट किया। उसके लिए हमने तो आश्वासन दिया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और सरकार स्वीकृत कराएंगे। यही इनका वो था, उन्होंने दिया। इनकी मांग ये भी थी कि एक परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। उसने कहा हम लोगों के हाथ में नहीं है, हम आपका केस भेजेंगे सरकार जो निर्णय।